गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे सारे प्रिय शिष्य, प्यारे लोगों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस की जा रही है वो बहुत अच्छी तरीक़ा से की जा रही है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा। पहले लगता था कि आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब किसी प्रकार का कोई शक नहीं रहा। आप लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए, आप लोगों के द्वारा बहुत ही, मतलब शब्द नहीं है आप लोगों का तारीफ करने के लिए, इतने शब्द नहीं है। मैं विशेषकर कुछ बच्चों का यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा, जो रोज़ समय में आ जाते हैं और जो है आकर लाइव वीडियो को देखते हैं। कुछ बच्चों का नाम लेना चाहेंगे, जिसमें है रश्मि कुमारी, आफरीन परवीन, प्रकाश कुमार, पंकज कुमार। ये सारे लोग जो है, जिस प्रकार से जब समय हो जाता है, समय का अनुपालन, आदर्श इसी को कहा जाता है, डिसिप्लिन का पालन इसी को कहा जाता है। सारे लोग जो है कि एक निश्चित समय में आते हैं, एक जब वीडियो स्टार्ट होता है उस समय आते हैं। मैं जानता हूँ सबका प्रॉब्लम है, सब लोगों का प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या चीज़ का है? नेट का प्रॉब्लम है। हमें भी नेट का प्रॉब्लम है, हमसे भी जो नेट नहीं होने कारण से जो है वीडियो जल्दी नहीं जा पाती हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे क्लास, जैसे ये 9 क्लास हैं, 9 क्लास के साथ साथ मुझे 7 क्लास 8 क्लास को भी देना पड़ता है, और यहाँ तक कि 2-3 को भी हमको वीडियो देना है। तो उन लोग को भी जो है कि वीडियो देने के लिए हमको जो है उन लोग के साथ आना पड़ता है, तो उन लोग का भी जो है कि प्रॉब्लम हो रहा है। आज जो है कि कुछ बच्चे जो है कि मैसेज किए थे ग्रुप में कि सर आप बोले थे ओ अभी तक वीडियो आया नहीं, हम लोग कॉपी लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो पढ़ने का जो मन है ये सुनकर जो है कि एक ऐसा लगता है कि भले ही जो है कि जो हो, जिस प्रकार से हो, लेकिन उपलब्ध कराना है। मैं यदि आप लोग को जब क्लास में होइएगा, क्लास में रहिएगा, उस समय आप लोग को ये मैसेज जरूर दिखाऊंगा और सुनाऊंगा, जिसमें यही कहा गया है कि मैं कॉपी और किताब लेकर बैठा हुआ हूँ और अभी तक आपका लिंक नहीं आया है, कैसे होगा। वहाँ पर हमको बोलना पड़ा कि देखो आज जो है कि नहीं जा पाएगा, नेट का प्रॉब्लम है, बरसात का मौसम है। तो उसने जो है कि मानकर सारा कॉपी किताब उठाकर फिर जो है कि छत में बैठ कर नेट के लिए, नेट बढ़िया चले जिसके कारण से छत के ऊपर में देख रहा था। तो ये सारे जो जब सुनने के लिए आता है कि इतना वेटिंग चलता है, इतना ज़्यादा पढ़ने में दिलचस्प तरीके से लोग योगदान मैं देखता हूँ, सारे लोग अक्सर जो है कि, और खुशी तब होती है जब आप लोग जो है कि जब मेरा वीडियो स्टार्ट होता है आप लोग जो है गुड मॉर्निंग कहते हैं और सबका नाम पता चल गया अब कौन व्यक्ति कौन देखता है। हाँ ना, पहले तो प्रॉब्लम था कि एक जे करके था, हाँ ना, तो वो था नहीं, थी ना, एक हमारी स्टूडेंट ही है तो वो भी थी। तो आप लोग एक थोड़ा सा आज एक नया वर्क आप लोग को देते हैं, और आप लोग का क्या है कि मैं जो है कि जान नहीं पा रहा था, तो आप लोग जो है कि क्या करिएगा, यही जो है वीडियो है, जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे एक लाइव चैट लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पर एक लाइव चैट लिखा होगा, और एक लोकल चैट होता है जो साधारण चैट होता है। दो चैट होते हैं, एक लाइव चैट होता है। तो आप लोग जो है लाइव चैट में जाइए और वहाँ पर जो आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आई एम, जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम लक्ष्मण है तो आई एम लक्ष्मण प्रेजेंट सर, ये आप लिख सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और इससे ये भी पता चलेगा कि वो 4 बच्चे जो नहीं आ रहे वीडियो में वो कौन कौन हैं, ये तो साधारण से पता चल जाएगा। और बाद में जो है उसके साथ जो भी हो, है ना, स्कूल के द्वारा जो कहा जाए, निर्देश दिया जाए, यदि एक साथ सारा वीडियो उसको देखना पड़ जाए, या तो फिर उसको पढ़ने के लिए बोला जाए कि फिर से बाबू पढ़ो, है ना, शुरुआत से पढ़ो, तो ये तो संभव हो नहीं पाएगा, है ना, किसी प्रकार से संभव जो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से रोजाना देख रहे हैं, मुझे पता है कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जो वीडियो को नहीं देख रहे हैं, लेकिन कौन कौन से बच्चे हैं वो वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमको पता है। तो आप लोग थोड़ा सा काम कीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा काम है आप लोग, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो जाए, जैसे काउंटिंग स्टार्ट होता है, वीडियो शुरू होने से 2 मिनट पहले आप लोग देखिएगा, वहाँ पर से स्टार्ट होता है, गिनती स्टार्ट हो जाता है,
और जो है धीरे धीरे जो 60 मतलब 60, 59, 58, 57, उसके बाद जो है कि धीरे 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 10, 9, 8, 7, 6, 1, इसके बीच में आप लोग जो है कि वहाँ पर लाइव चैट में जाकर वहाँ पर प्रेजेंट और अपना नाम जो है लिख सकते हैं। इससे ये पता चलते रहा कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन नहीं जुड़ा है। बाद में जो है जब जो भी होगा उस समय बताया जाएगा कि नहीं सारे कौन कौन से बच्चे जुड़ते थे, कौन कौन से नहीं जुड़ते थे। ये हमें जो है कि ऊपर जो है जो प्रिंसिपल मैम है उसको बता दिया जाएगा, उसमें भी जो है कि आसानी हो जाएगा हमें भी। और वहाँ तो आप जहाँ पर ग्रुप बना हुआ वहाँ तो आप लोग प्रेजेंट करते ही हैं, तो वो आप लोग को करना ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ करना शुरू कर दिए तो वहाँ पर छोड़ दिए। वहाँ पर आप लोग को प्रेजेंट जो करते हैं जो सारे चीज़ हैं वहाँ पर करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उस चीज़ को नहीं छोड़ना। वहाँ से आपका अटेंडेंस बनता है सीधे, जो अटेंडेंस आपका जो वहाँ पर है स्कूल का, वहाँ पर अटेंडेंस वहीं से बनता है। तो आप लोग को वहाँ पर जो है कि प्रेजेंट करना ही करना है। उसके बाद जब आप वीडियो में आइएगा तो वीडियो में भी आप लोग जो है कि लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा पहले और गुड मॉर्निंग लिखिएगा, या फिर आई एम प्रेजेंट लिख दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा, या गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, मतलब जिस प्रकार से आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत खुशी मिल रहा है कि जो चार बच्चे लगातार हमको जो है कि बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक बच्चा का नाम आपको हमने बताया रश्मि कुमारी, रश्मि कुमारी जो है कि वीडियो स्टार्ट होने के 2 मिनट पहले ही वो वीडियो में चली जाती है देखने के लिए। पंकज कुमार भी जो है उसी तरह से हैं, आफरीन जो है उसी तरह से हैं, और फरकास भी जो है कि उसी तरह से देखने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारे लोग जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ने वाले बच्चे जो है कि पढ़ने वाले ही बच्चे जो है देखते हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे देखेंगे। तो आप लोग से यही चीज़ कहना था कि आप लोग जो है कि ज़्यादा कुछ नहीं, अब सिर्फ लिखिएगा लाइव चैट में लिखिएगा आई एम प्रेजेंट, नाम लिखना है कौन है, इससे पता चल जाए कि कौन व्यक्ति जो है कि वीडियो को देख रहा है और कौन सा व्यक्ति जो है वीडियो को नहीं देख रहा है। ये मैडम को भी पता चलना चाहिए कौन कौन व्यक्ति वीडियो देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है। आप लोग सवाल भी बना रहे हैं, सारे सवाल जो है कि मैंने पहले ही कह दिया है, कल ही का वीडियो में मैंने कह दिया है कि आप लोग जो है क्या करिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, कॉपी में बनाइएगा, नोट करिएगा, ग्रुप में डालना है, ये आप लोग जानते हैं। तो ग्रुप में कब डालिएगा, क्वेश्चन बना के तुरंत नहीं डालना है। आज यदि वीडियो बनाए उसमें क्वेश्चन निकला और उस क्वेश्चन को जो आप तुरंत डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। तो क्या करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी बन जाए, सब कुछ हो जाए। और मेरा सारा वीडियो तो 8:10 में आता है, तो आप लोग जो है 8 बजे अपना जो भी अटेंडेंस बनाने का कार्य होता है वो अपना कार्य खत्म करें। उसके बाद सारा जो कॉपी है, जो कॉपी या फोटो खींच के रखे हुए हैं, जो बना के रखे हुए हैं, जो होमवर्क दिया था, वो सारा चीज़ है 8:00 से लेकर 8:10 के अंतर्गत, ये जो डिस्टेंस है 10 मिनट का, उसमें सारा कॉपी आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए। जितना भी कॉपी है सारा का सारा जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा। बाद में ये चीज़ तो देखेंगे कि आप लोग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज़ चलेगा। लेकिन अगले शनिवार को आप लोग कॉपी हम रिसीव करने का प्रयास करेंगे, और जो आने वाला सैटरडे, आज आने वाला जो सैटरडे है वो सैटरडे में आप लोगों का कॉपी हम रिसीव करेंगे, और उसके बाद चेक करने का प्रयास करेंगे, सारा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों का आंसर शीट किस प्रकार से, क्या नहीं है, क्या है, ये सारा चीज़ देखेंगे। लेकिन शनिवार आने में अभी 3 है, इसलिए आप लोग जो है कि क्या करिएगा, आप लोगों का काम एक ही है कि आप लोग जो है वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को बनाइए, और दूसरे दिन जो है 8 जैसे ही बज जाता है आप लोग अपना अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस बनाने के बाद क्या है कि जो भी कॉपी है उस कॉपी का जो फोटो खींच कर रखे हुए हैं वो सारा का सारा जो है क्या करना है, उसको डाल देना है। और आप लोग को फिर वीडियो में लाइव आ जाना है, कितने बजे, 8:10 में आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और सारा चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो समझ नहीं आता था हमको समझ में, इस बात को मुझे भी समझ आ रहा था कि आप लोग उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिए मेरे बात को, यदि अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बताइए, और यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स जहां पर लाइव चैट है वहां पर जाइए और लिखिएगा यस सर समझ में आ रहा है। ये बात आप लोग को ध्यान रखिए, ये आप लोग के लिए इम्पोर्ट। हम लोग के द्वारा जो है 2.1 पढ़ लिया गया, 2.2 भी शायद देखिए इसको देखना पड़ेगा, शायद हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। एक लिखित संविधान है, दूसरा स्पष्ट सरकार गठन कैसे फैसला, तीसरा सरकार के अधिकारों की सीमा।
हम लोग जो है कि सेकंड पैराग्राफ जो है पढ़ रहे थे और जो नेट की प्रॉब्लम के कारण से हमने जो है कि छोड़ दिया था पढ़ाने के लिए। तो आज की जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी की जो शुरुआत कर रहे हैं, वो कहाँ से करेंगे? पैराग्राफ 2.2 से करेंगे। कहाँ से करेंगे? 2.2 से करेंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, यहाँ शुरुआत करेंगे। और ये कौन सा चैप्टर है? तो ये जो है सेकंड चैप्टर है। कौन सा किताब का है? तो ये सिविक्स का है, सामाजिक विज्ञान का है। किस चीज़ का है? सामाजिक विज्ञान, सिविक्स बोलिए, नागरिक शास्त्र बोलिए, या आम बोल चाल में जो है से पॉलिटिकल साइंस भी आप बोल सकते हैं। तो इसका ये है। और अध्याय कौन सा है? अध्याय दो है। अध्याय को इंग्लिश में कहा जाता है लेसन, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि लेसन कहा जाता है। और लेसन दो का ये जो है कि शायद आपका तीसरा चौथा भाग है, चौथा भाग वीडियो है। और मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ और समझाने का पूरी तरह प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग जो है कि एक भी शब्द आपको ना छूटे। जिस प्रकार से स्कूल में भी एक भी शब्द आपका नहीं छूटता था, जिस प्रकार से एक चैप्टर भी आपको नहीं छूटता था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी यूट्यूब हो या कुछ भी हो, जब अब तक हमको पढ़ाने नहीं आता था वो अलग बात थी, जब हमको पढ़ाने आने लगा तब एक भी बात छोड़ने नहीं देंगे, एक भी चीज़ जो है कि यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। जितना है सारा का सारा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। एक मजबूती और बेस को जो है कि जितना मजबूत हो सके कंप्लीट करेंगे हम लोग, सब लोग मिल के जो है कि इस किताब को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम लोग का जितने भी बुक हम लोग 9th क्लास में पढ़ना होता है, ये सारे बुकों को सामाजिक शास्त्र में जितने भी विषय आते हैं उसको धीरे धीरे करते जाएंगे। और जहाँ तक जिस चीज़ को समझ नहीं आता, जो टॉपिक समझ नहीं आता है, जो भी टॉपिक समझ नहीं आता है, वो आप में लिख के मैसेज करिएगा, मेल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, टेलीग्राम करिएगा, या फिर ये जो है कि वीडियो चल रहा है वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। ये सारे चीज़ आप लोग के पास ऑप्शन है, जो आपको लगता है वो ऑप्शन का यूज करिए और सवाल को पूछिए। मैं बार बार कहता हूँ, सवाल को पूछिए। यदि आपको समझ नहीं आता है तो ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं कि हमें समझ में आ गई, झूठ बोलकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक समझ नहीं आया तब तक आप पूछिए, बार बार पूछिए, हर बार पूछिए, जो नहीं समझ में आया उसको पूछिए, हर समय पूछिए। अरे हम आप ही के लिए हैं, आप ही लोगों के लिए हम यहाँ पर हैं, है ना। यहाँ पर ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? आप ही लोगों के कारण से पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो एक साल आराम किए थे, ये साल भी आराम हम लोग कर सकते थे, घर बैठे रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लोग के पास हम आए हैं तो आप लोग भी जो है कि मेरे पास आओ। आप लोग किस प्रकार से मेरे पास आएंगे? कमेंट के माध्यम से मेरे पास में आएंगे, आपने मैसेजों के माध्यम से मेरे पास जुड़ जाएंगे। मेरे पास एक बार जुड़ने के बाद आप लोग जो है हर एक कार्य को जो है कि बढ़िया से हम लोग करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे, और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का मैं प्रयास करूंगा, और बेहतर प्रयास और अच्छा प्रयास। क्योंकि मैं दिनों दिन सीखने, जो ये तकनीकी वाला जो ज्ञान जो मुझे नहीं थी, किस प्रकार से वीडियो लाइव किया जाता है, किस प्रकार से रिकॉर्डेड किया जाता है, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से PDF बनाया जाता है, ये सारे बातें हमको नहीं आती थी। लेकिन एक एक करके जैसे मैंने सीखा और सीखने के बाद आप लोग के साथ हम खड़े हैं अभी। इसलिए कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार का सवाल हो, जैसा भी सवाल हो, आम सवाल हो, आम बोल सवाल हो, जैसा भी हो, टोटल चीज आप पूछो। शर्म करने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत लोग, ये बच्चे ये सोचते हैं ना कि यदि हम बोलेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे क्या लगेगा कि बाकी जो बच्चे वो बोलेंगे कि देखो इसको समझ में नहीं आया और हमको समझ में आ गया। तो ऐसी बात नहीं है, ये सोचकर आपको काम नहीं करना है। आपको यदि समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आया तो आप ही को पूछना पड़ेगा, पड़ोसी थोड़ी ना पूछने आएगा। आपको समझ में ना आया तो आपको पूछना पड़ेगा, पड़ोसी को तो समझ में आ गया तो पड़ोसी तो नहीं, यहाँ पर पड़ोसी मतलब आपके साथी लोग, आपका साथी लोग अब समझ में आ गया तो लोग नहीं पूछ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछना चाहिए। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसको पता है वीडियो बहुत ही विस्तार से बना रहे हैं, बहुत विस्तार से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को छूने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक चीज़ को छूने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए समझ तो आ जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी यदि समझ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आइए सवाल करिए, सवाल करिए और पूछिए हमसे। पूछने के बाद आपको देखिएगा फिर क्या होता है, सारा सवाल का आंसर देंगे, नहीं होगा तो विशेष उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग के पास लाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है कि एक पैराग्राफ पढ़ लिए थे, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। लंबे समय तक चली बात स्टार्ट से ही पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ जो हम लोग शुरुआत से ही पढ़ लेते हैं, ऐसे कल पढ़े थे उस वीडियो में, लेकिन क्या हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से जो है कि हमको वीडियो रोकना पड़ा बीच में,
तो उसको छोड़िए, और हम लोग जो है कि इसको जो है पूरी अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको जो है कंप्लीट पढ़ते हैं, शुरुआत से करते हैं, इसको सिंपल सा चल जाएंगे, आगे जाकर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। कल समझा दिए थे इसलिए यहाँ पर हम कुछ बताने नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था, मतलब दोनों ही एक दूसरे पर आसान तरीका से जो भरोसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे का जो है एक दुश्मन की तरह हो गए थे। तो इसीलिए कारण से जो है कि भरोसा करना जो है कहीं जो है कि समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से भरोसा करें। जो आपका जीवन भर आपका दुश्मन रहे, अचानक वो दोस्त बन जाता है तो भरोसा नहीं होता है। जो आपका जीवन भर से आप जिसको दुश्मन मान रहे हैं, जो दोनों साइड से आपको जो है दुश्मन मान रहा है, ये साइड भी जो है ए, मान लीजिए दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ए नाम है और एक व्यक्ति का नाम बी है, और दोनों व्यक्ति का सालों साल दुश्मनी है, 10 साल की दुश्मनी है, और अचानक जो है 15वां साल जो होता है 15 ईयर्स के बाद कहता है कि हम लोग आपस में दोस्त बन जाएंगे, एक साथ रहेंगे, जो भी फैसला करेंगे एक साथ करेंगे। तो उस समय फैसला तो बात की बात है, जब इस प्रकार की बातें कहेगा तो बोलेगा नहीं है, इसमें इसके अंदर कोई चाल जरूर है, तभी जो है कि ये जो है कि इस प्रकार से बोल रहा है। तो इसी प्रकार श्वेत और अश्वेत जो थे ये दोनों जो घुर दुश्मन थे एक दूसरे के, एक तो एक का हनन कर रहा था, उसके सारी इतनी कमजोर कर दिया था अश्वेतों को, तो अश्वेतों को तो विश्वास ही नहीं था कि श्वेत लोग जो है कि हम पर ये भरोसा करने लायक है, और श्वेत लोग को ये डर था कि हम लोग ने इतना इसको प्रताड़ित किया है, इतना इतना प्रताड़ित किया है, तो इन लोग भी जो है कि इसका जब अपना सरकार आ गया मिले, तो ये सारे लोग जब लोकतंत्र आ चुका है और लोकतंत्र आने के बाद सबका जो है सरकार बनेगी, गोरे और कालों को मिलकर सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सरकार बनेगी, तो क्या ये हम लोग को जो है कि वैल्यू देगी, ये जो है इंपॉर्टेंट था, श्वेत लोग ये सोच रहे थे। अब श्वेत लोग ये क्यों सोच रहे थे, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि श्वेत लोग इतना दिन तक जो है जो काले लोग पर जो अश्वेत लोगों पर इतना अत्याचार किए, अचानक ये क्यों सोचने लगे कि ये लोग जो है कि हमें जो है ये सारे चीज़ अधिकार देंगे कि नहीं देंगे, हमारी संपत्ति को ये सारे लूट सकते हैं। अश्वेत लोग श्वेत अश्वेत अश्वेत लोग जो थे, मतलब श्वेत लोग को डर था कि अश्वेत लोग गोरे लोग को डर था कि काले लोग कहीं हमारी संपत्ति ना लूट लें, हमें कहीं कत्ल ना कर दें, हमें कहीं मार ना दें, हमें कहीं लूट ना लें, इस प्रकार का डर था। तो ये डर कहाँ से आई, ये डर जानते कहाँ से आए, जब मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गया ना, तो वहां पर क्या हो गया कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गया तो उसकी शक्ति तो खत्म हो गई, पहली बात तो शक्ति खत्म हो गई, जिसमें जो क्षमता है वो आगे बढ़ेगा और सारे को समान अधिकार मिलेगा, ये बात है। ये बात जब हम लोग देखते हैं तो ये सारा तो बात है, ये टोटली बात है। अब ये जो है कि बात हुआ, अब उन लोग पर क्या था कि संख्या बल, संख्या जो है कि श्वेतों का जो है कम था, मतलब गोरों की संख्या दक्षिण अफ्रीका में कम था और कालों की संख्या दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा था, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है उसमें जो है कि वोटिंग सिस्टम होता है, कोई व्यक्ति तो गोरे लोगों को पसंद नहीं करता था उस टाइम, तो उस समय यदि कोई वोट करे, कोई भी व्यक्ति वोट करे तो किसको वोट देना चाहेगा, अधिक लोग हैं जिसका जिसकी अधिक क्षमता है, जिसके अधिक लोग हैं वो सारे लोग जीत जाएंगे। तो यहाँ पर यह डर था कि कहीं जो है श्वेत लोग अत्याचार अश्वेत लोग श्वेत पर अत्याचार ना करें, ये किसको डर था, श्वेत लोग था, मतलब गोरे लोग को डर हो गया था। ये बात कल भी समझा दिए थे, आज भी जो है एक बार बता दिए, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो, उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को, अल्पसंख्यक मतलब क्या, जिसकी संख्या कम हो, मतलब वहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका में गोरों की संख्या कम थी और कालों की संख्या अधिक थी, साधारण शब्दों में ये समझ लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब वहाँ पर जो गोरों लोग थे, जो गोरे लोग थे, जो दक्षिण अफ्रीका में आए थे, कहाँ से आए थे, ब्रिटिश से आए थे, और वे लोग शासन कर रहे थे, तो इन लोग बाहर से आने वाले लोगों की संख्या तो कम ही होगी। जैसे हमारे भारत देश है, भारत देश में क्या, भारत देश में बहुत सारे लोग अमेरिका गए हैं, भारत का बहुत सारे नागरिक जो है अमेरिका में गया है,
सत्यन लंडला जो है ना, वो भी तो अमेरिका गया है। मतलब मेरे भारत देश से नागरिक बहुत सारे लोग जो अमेरिका गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में भारत का जो जनसंख्या है वो अमेरिका के जनसंख्या से ज़्यादा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसी प्रकार जो है जो ब्रिटिश का जो है, ब्रिटिश वहाँ से जो दक्षिण अफ्रीका आया था, तो उतनी संख्या में तो सारे लोग उठ के आएंगे ही नहीं। जैसे हम लोग पूरी तरह से उठ के तो कहीं गए नहीं, बहुत लोग सऊदी अरब गए हैं। तो सऊदी अरब गए तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के सारे लोग जो है कि सऊदी अरब चल गए। वहाँ की संख्या तो इंडिया की संख्या तो कम ही होगी ना, वहां पर तो सऊदी अरब की संख्या ज्यादा होगी। तो इसी प्रकार से यदि कुवैत गया है, सऊदी गया है, दक्षिण अफ्रीका गया है, अमेरिका गया है, कहीं भी कोई देश जाता है, भारत के आदमी कहीं भी कोई देश जाता है, तो उसकी संख्या तो कम होगी। उसी प्रकार ब्रिटिश के जो है, ब्रिटिश के जो लोग थे वहां से जो है आए थे, जो ब्रिटिश के लोग वहां से आएंगे और कहां आए थे, दक्षिण अफ्रीका आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में उसकी संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? तो वास्तविक बात है संख्या तो कम ही होगी, तो वहां पर जो है उसकी संख्या कम थी। तो उसको जो है संपत्ति लूटने का अधिकार था, सॉरी संपत्ति लूटने का अधिकार नहीं, डर था, गोरों को डर था कि कहीं उसकी संपत्ति जो है, अपनी संपत्ति जो है जो दक्षिण अफ्रीका में रखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में है, घर द्वार जो उसके पास है, ये कहीं लूट ना लें, ये सारे कहीं उसके कत्ल ना कर दिया जाए, मार ना दिया जाए, इस प्रकार की चिंता किसके थी? तो गोरो लोग के थी, और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी, उसे विशेष अधिकार की जो है चिंता थी। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ते हैं। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। मतलब लंबे समय तक बातचीत करने के बाद जो है दोनों जो है कि समझौता का रास्ता के लिए तैयार हो गए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान लिए। मतलब एक जो व्यक्ति है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह कोई भी हो, यदि वह एक व्यक्ति है तो वो केवल जो है सरकार को एक ही वोट दे सकता है, एक वोट से ज़्यादा नहीं दे सकता है। जैसे भारत में देखिए, भारत में भी चुनाव होते हैं, हर 5 साल के बाद भारत देश में जो चुनाव होता है, और जब चुनाव होता है तो एक व्यक्ति एक ही वोट करता है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में किया गया कि जब भी चुनाव होंगे, जब भी चुनाव होगा तो दक्षिण अफ्रीका में जितने लोग हैं वो सारे लोग खड़े हो सकते हैं। पहला बात, वो लोग सरकार के लिए खड़े हो सकते हैं, अपना पद में खड़ा हो सकते हैं, वहाँ पर जो भी पद है उसमें खड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो MLA और MP के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ पर खड़ा हो सकता है, और उसे जो है कि वोट यदि देना है या किसी भी व्यक्ति को वोट देना है, कोई व्यक्ति किसी को वोट दे तो कितना वोट दे सकता है? मात्र और मात्र एक वोट दे सकता है। जिस प्रकार भारत में वोटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में उस सिस्टम को लगाया गया, एक आदमी एक वोट, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। लेकिन हम लोग के भारत में एक बात है, जिसका 18 वर्ष हो चुका है उसी को वोट देने का अधिकार है, तो वहां भी कोई उम्र तय सीमा रखी गई होगी जिसकी सीमा में जो है कि वोट दिया जा रहा होगा। लेकिन भारत की तो सीमा हम लोग जानते हैं सभी लोग, किस तरह से वोट होता है, उसी प्रकार से उस देश में वोट सिस्टम हो गई। एक व्यक्ति एक वोट का मान गए, वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। वहाँ पर क्या है कि वे गरीब लोगों और मजदूरों के बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। मतलब बहुमत के आधार पर सारा फैसला नहीं होगा, वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। जो उसका जमीन और जायदाद है, किसका, जो गोरे लोग थे उसके जो जमीन है उसके कब्जा जो है नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था, इस समझौते को लागू करना और कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। मतलब क्या है कि ये कानून लागू करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी था, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। मतलब यदि एक दूसरे पर भरोसा कर भी लिया गया तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि ये भरोसा नहीं टूटेगा। जो जन्म जन्म के दुश्मन, जो जन्म जन्म के दुश्मन, वो सारे जो लोग हैं कब भरोसा तोड़ दें, क्या क्या भरोसा कि कभी भी तोड़ सकता है। ये जो है कि उस समय का जो है एक प्रकार के समस्या रही थी। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उसे लिखित पढ़त
में ले लिया जाए। मतलब कि इन लोगों का कहने का मतलब है जो भी बात आज तय हो गई वो सारे बात जो है एक जगह लिख दिया जाए और वो जो लिखा जाएगा नियम कानून जो लिखा जाएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, संविधान बोल देंगे। जो तय हुआ कि इसका जमीन नहीं लूट सकता है, कोई किसी का जमीन नहीं लूट सकता है, कोई भी किसी पद में खड़ा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी को वोट दे सकता है, एक वोट दे सकता है, तो ये सारे लिखित तौर पर एक कागजात में लिखा जाएगा, एक जगह लिखा जाएगा, उसी को कहा गया संविधान, उसी को कहा जाएगा संविधान, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने का बाध्यता रहे। मतलब सारे लोग जो है इस बात को मानना ही पड़ेगा। बहुत लोग यदि मानना नहीं चाहेगा कि हम मेरे साथ ये जो गलत किया था मैं भी इसके साथ गलत करूंगा, तो ऐसी बात नहीं, उसको जो है ये सारा कानून मानना ही पड़ेगा। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, भविष्य में जो है कि शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, जो चुनी हुई सरकार है जो जीत जाएगी, जो पार्टी जीत जाएगा और जो इसका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा वो क्या करेगा, ये सारे कहाँ लिखा है उसका संविधान में वर्णित है। और क्या क्या नहीं कर सकती है या भी लिखित रूप में मौजूद है, और क्या क्या वो सरकार जीती हुई सरकार नहीं कर सकती ये भी जो है संविधान में, भारत का संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और भारत के संविधान में भी जो है कि ये सारे चीज लिखा हुआ है। मतलब कोई भी देश है, कोई भी देश अमरीका मान लो, अफ्रीका मान लो, या इंग्लैंड मान लो, ब्रिटेन मान लो, जो भी है, है ना, जो भी है, जो भी देश, जितने भी देश हैं वो सारे लोग का कोई ना कोई कानून के अनुसार ही चलते हैं और उस कानून में तय करके रखो है किस व्यक्ति को कितना अधिकार देना है, किस व्यक्ति को कितना काम करवाना है या क्या कराना है, ये सारे चीज जो है कि एक तय सीमा के लिए जो है कि हर जगह लिख के नहीं रखते, एक जगह लिख के रखते हैं, उसे जो है संविधान कहा जाता है, बाद में सबको बताया जाता है। इन्हें लिखित नियमों के नागरिक के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। मतलब जो व्यक्ति जीत के आएंगे और वो जो है इसको जो है चेंज ना कर दें, मतलब कोई आया वो चेंज कर दिया कि नहीं आज से जो है कि संपत्ति जो है कि लूटने का अधिकार तो नहीं था, है ना, तो अब क्या है कि मेरी सरकार आ गई, अब जो घोरों की संपत्ति हम लूट के रहेंगे क्योंकि इन्होंने मेरी संपत्ति लूटी, नियम बना दिया। तो ये है कि यहां पर एक थोड़ा सा दिया गया है। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए, वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी अपेक्षा नहीं कर सकती। मतलब जितनी सरकार है, आए जाए जो भी सरकार आए, लेकिन इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। इन्हें बुनियादी नियमों में नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। जो ये लिखा गया है, सारे नियम जो लिखा गया उसे हम लोग क्या बोल दिए, संविधान कह दिए, उसको क्या बोलेंगे, संविधान कह दिए। और यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन नोट करिएगा, संविधान से आप लोग क्या समझते हैं, संविधान से आप क्या समझते हैं, आज का पहला प्रश्न, संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। मतलब हर देश में अलग जाति के, अलग कास्ट के, अलग धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो। मतलब कि जिस प्रकार से यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे जितने एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, इतना जो है कि हो सकता है कि दूसरे देश में ऐसा स्थिति ना हो, लेकिन उसके बावजूद तो कुछ तो स्थिति बनेगी ना। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। मतलब हमारे जो यहाँ पर देखा जाए, कोई भी व्यक्ति है उसका विचार देखा जाए, उससे बात करो और बात करने के देखो तो उसके विचार कुछ अलग होता है। साइड वाला जो घर का ही चार व्यक्ति यदि देखा जाए तो चारों व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग मानना होता है, अलग अलग विचार होता है, हर अलग अलग प्रकार से सोचता है। तो एक देश है, देश में बहुत सारे नागरिक हैं और इसमें जो है कि कोई भी नागरिक कुछ क्या सोच रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, तो उसके लिए नियम तय करना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, जब नियम तय नहीं किया गया तो कोई नियम ही नहीं है, तो मान लो कोई गलती कर रहा है तो उसे सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया, उसका कुछ दिया ना जा रहा है, दंड नहीं दिया जा रहा है, तो वो गलती को और करता जा रहा है। ये भी बात जो है कि यहाँ पर है।
संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कट्टरतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के विचार बीच विचारों पर और हितों में फर्क होता है। जो विचार होते हैं सबका अलग अलग होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। मतलब किसी भी चीज़ को चलने के लिए संविधान की जरूरत होती है। जैसे मान लो हम लोग का स्कूल का एग्जाम्पल लिए थे, तब हमने बताया था कि किस प्रकार से जो है कि एक स्कूल चलने के लिए भी हम लोग का नियम बनाए रखे हुए हैं कि कितने बजे आना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे घंटी लगेगी, कितने बजे प्रे करना है, कितने बजे का मैथ पढ़ना है, कितने बजे साइंस पढ़ना है, कितने बजे SST पढ़ना है, कितने बजे इंग्लिश पढ़ना है, कितने बजे संस्कृत और कितने बजे उर्दू पढ़ना है। ये सारे बातों को जो है कि हम लोग को यहाँ पर लिखित तौर पर है। सारे लोग जानते हैं कि कितने बजे क्या क्या होगा, कौन सा घंटी कब लगेगा, कौन सा घंटी लगने के बाद क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी बातें कहाँ से हम लोग को पता है? तो ये सारी बातें हम लोग को पता है नियम के अनुसार। वो भी हम लोग का ये यदि हम लोग लोग यदि समझा जाए तो इसको जो है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये भी संविधान का ही एक रूप है। ये भी जो है कि संविधान का ही एक रूप है। अब देखते हैं, संविधान लिखित नियमों की बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, बड़ा करके देखते हैं, अपना ही सब कुछ है, बड़ा बड़ा करके इतना मुश्किल से सब बनाना पड़ता है तो छोटा क्यों करके देखें, बड़ा करके देखेंगे। संविधान लिखित नियमों को ऐसी किताब है। संविधान जो है लिखित, सारा चीज टोटल का टोटल लिखा हुआ है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। मतलब उसको जो है कि जैसे भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में क्या है कि हम लोग सभी लोगों को उसको मानना ही पड़ता है। कुछ लोगों को मानना पड़ता है और कुछ लोग मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। मतलब संविधान में जो है कि सर्वोच्च कानून है, उसके जैसा कोई कानून ही नहीं है। मतलब सारा कानून तो वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर का अधिकार जो है संविधान का है। जिस व्यक्ति को भी जो सजा मिलेगी या जो भी काम मिलेंगे, जो भी अधिकार मिलेंगे या जो कर्तव्य मिलेंगे, वो सारे जो है संविधान के अनुसार ही मिलेंगे। जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों जिन्हें नागरिक कहा जाता है, मतलब भारत देश में जगह जगह पर, हर जगह पर, हर स्थान पर, हर एक गाँव में कोई ना कोई रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्ति कहते हैं, और उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे, नागरिक कहेंगे। के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें प्रमुख है। यहाँ पर संविधान के कुछ कामों को लिखा गया, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला नंबर में देखिए, पहला क्या कहा गया है, पहला या साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग का विकसित होता है। मतलब संविधान जो है उसको सहयोग से और आपसी भरोसा से ही होता है। जैसे हम लोग को भरोसा है कि 8:10 में हमारा वीडियो आएगा, अचानक किसी दिन नहीं आया तो भरोसा टूटने जैसा हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, जैसे इंतजार करते हैं 8:10 में आज वीडियो आएगा, आज 8:10 में वीडियो आ जाएगा सुबह, तो हम लोग सब लोग जो है कि सुबह 8:10 में इंतजार करते हैं, और जो है कि यदि नहीं आए तो आपको क्या होगा, भरोसा टूटेगा, जरूर टूटेगा। और यदि नहीं आ रहा है तो संदेश पहले पहुंच जाना चाहिए कि नहीं आज वीडियो जो है कि नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ होना चाहिए, तो ये व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जो भी सत्ता चलती है, जो भी जो है कि सरकार चलती है, वो भरोसा से चलती है। और जो संविधान बना है और संविधान के नियम कानून भी जो लागू हुए हैं, वो भी संविधान को जो है कि भरोसा कारण ही चल रहा है। यदि हम लोग विश्वास करना छोड़ दें, हम लोग संविधान को मानना छोड़ दें, तो हम लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। भारत की जनसंख्या जो है आपस में लड़ना शुरू हो जाएगी यदि हम लोग संविधान को नहीं मानेंगे तो हम लोग संविधान को नहीं माने, संविधान के अनुसार नहीं चले, तो हम लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग संविधान मानना है, और संविधान में सारे नियम दिए गए हैं। चोरी करने वाले लोगों को किस प्रकार की सजा होना चाहिए, पुलिस की भर्ती है तो पुलिस की भर्ती के लिए क्या होना चाहिए, सरकार यदि है, जैसे किसी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को विद्युत ऊर्जा मंत्री बनना है, किसी को रक्षा मंत्री बनना है, किसी को शिक्षा मंत्री बनना है, किसी को जो है कि शिक्षक बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो सारे चीज़ की भूमिका है। वो सारे कार्य को करो और आप जो है कि तय सीमा पर पहुंच जाओ, जिस सीट को आप चाहते हैं, जिस जगह को आप चाहते हैं वहां पर पहुंच जाओ। यदि उस प्रकार से आप कार्य और मेहनत करते हैं तो ये सारे जो लिखित तौर पर लिखा हुआ है वो कहां पर लिखा हुआ है, सारे का सारा जो कहां लिखा हुआ है, तो सारा का सारा जो है ये
संविधान में लिखा हुआ है। दूसरा देखते हैं, दूसरा यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। यह स्पष्ट करता है, जैसे हम लोग बताया कि किस प्रकार से सरकार का गठन होता है, जैसे अभी जो सरकार चल रही है तो किस प्रकार गठन हुई है, तो ये जो सारा संविधान में लिखा हुआ था उसके अनुसार से गठन हुआ, और किसे फैसले लेने का अधिकार है, और कितने, यहाँ पर एक और हम जोड़ देते हैं, कितने फैसले लेने का अधिकार है, ये भी है कि सरकार कौन कौन सा फैसला ले सकती है, कैसा कैसा फैसला ले सकती है, कौन कौन सा कर सकती है, किस प्रकार का फैसला नहीं कर सकती है, ये सारे अधिकार जो है दिया है। किसने दिया है? संविधान ने दिया है। कौन कौन सा कानून बना सकता है, कौन कौन सा कानून नहीं बना सकता है, ये सारे अधिकार किसने दिया है? संविधान ने ही दिया है। अब जो है तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा यह सरकार के अधिकारों की सीमा, मतलब सरकार का कितना अधिकार है, तय करता है। सरकार यदि चाहे कि या नहीं पूरी संपत्ति हमारी है, पूरी भारत की संपत्ति हमारी है, और ये जो हम अपना नाम में कर लेंगे, कल मान लो आज हम चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या है कि सरकार में है तो सरकार, हमको लगेगा कि ये सारा भारत का जमीन मेरा है, और ये जो है कि क्या करेंगे, इसको जो है कि अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, पूरा इंडिया का जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो ये जो है कि अधिकार क्या सरकार को मिली है, ऐसी सरकार को नहीं मिली है, कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से नहीं कर सकता है, ये सारी बातें हैं। तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार है, और जैसे हम लोग का अधिकार, मौलिक अधिकार तो हम लोग पढ़े भी हैं 8th class में, यदि आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम लोग को मौलिक अधिकार दिया हुआ था, उसमें से हम लोग को 6 मौलिक अधिकार पढ़ना था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। तो आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर ये 2 है कि ये बताइए कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, भारतीय संविधान से कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये बताइए कि कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और किस समय हटा दिया गया, मतलब कौन सा संशोधन के द्वारा हटाया गया था और किस वर्ष हटाया गया था, ये आपको बताना है। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि भारत देश के भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पर आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन, 3 हो गए मौलिक अधिकारों का, कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया ये दूसरा हो गया, और कब हटाया गया ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया ये कि कितने मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिया गया है, ये आपका जो है कि कौन सा सवाल है, ये 4th सवाल है। तो ये आप लोग को करना है, या यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, यदि आप लोग को आता है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करिए कि जो अधिकार हैं कितने मौलिक अधिकार हैं, ये कमेंट करके बताइए। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो यस सर बोलिए, जल्दी करिए, देख क्या रहे हो, करो, करने का मन नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, यदि करने का मन नहीं है तो छोड़ो, आंसर नहीं लिखने का मन है तो भी छोड़ो, कॉपी में ज़रूर लिखना, भले यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखने का मन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ लिखना है कॉपी में। चौथा, या अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ये जो है एक अच्छा समाज को गढ़ने की कोशिश करता है, एक अच्छा समाज को बनाने का प्रयास करता है, मतलब जो संविधान है, संविधान के जो भी नियम बनाए जाएंगे वो तो सारे जो है कि अच्छे नियम होंगे, और उसको जो है कि एक अच्छा संविधान की ओर जो है एक अच्छा ही देश को बनाने का, जो एक अच्छा संविधान होता है वो एक अच्छा देश ही बनाएगा, गलत देश तो बनाएगा नहीं, गलत लोग तो पैदा करने का प्रयास करेगा नहीं, मतलब हर एक को एक अच्छा नियम को जो है संविधान देती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जिन देशों में संविधान है, मतलब जो जो देश, जितना जितना देश है, हर प्रकार के देश हैं, बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, और बहुत लंबे लंबे देश हैं, जनसंख्या वाले देश हैं, कम जनसंख्या वाले देश हैं, भारत जैसे कि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, चीन में जो भारत से भी ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ऐसे देश हैं जिसमें बहुत छोटा छोटा जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है, तो अलग अलग देश हैं। तो उसी प्रकार उस जितने भी देश हैं उसमें जो है संविधान है, हर देश में कुछ ना कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, हर एक देश में कुछ ना कुछ नियम कानून बनाकर रखा गया है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो या जरूरी नहीं है, मतलब जितने देश हैं उसमें सारे देशों में लोकतंत्र हो ऐसा भी कोई बात नहीं है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें राजशाही तंत्र है, सैनिक शासन चल रहा है, तो ये भी शासन जो है कि बहुत सारे देश में चल रहा है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा है। आप लोग को समझ नहीं आए तो कमेंट करिएगा, और नहीं कमेंट करने का मन करें तो आराम से बैठ के देखिए। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है, जिन जिन देशों में जो है लोकतांत्रिक शासन है वहाँ पर संविधान होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमरीकी
अब देखो ये भी बात मत सोचना कि सिर्फ भारत देश ही जो है कि गुलाम हुआ था, भारत देश के साथ साथ अमेरिका भी गुलाम था। दक्षिण अफ्रीका का कहानी तो आप लोगों ने सुन ही लिया है, तो ऐसा सोचने वाली बात जो है नहीं है, है ना। तो अमरीका यहाँ पर देखिए, ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ाई के बाद अमरीकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। जब अमरीका गुलाम था ब्रिटेन का, ब्रिटेन का अमेरिका गुलाम हुआ था, अमेरिका गुलाम होने के बाद क्या है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो वहाँ पर जो है कि संविधान का निर्माण किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दी, मतलब फ्रांस भी जो है वहाँ पर जो है फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद फ्रांस के देश में भी जो है एक लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दी जाती है। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो, मतलब जितने भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, जिस देश में लोकतंत्र है वो सारे देश में संविधान लिखित रूप में, ऐसा नहीं कि मौखिक रूप में, सारा का सारा जो है लिखित रूप में है। अब हम लोग ये पैराग्राफ आज जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कौन सा स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान का अधिकार। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान का अधिकार। उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोटो देखते हैं, ये देखिए फोटो, ये देखिए दिखाई दिया। तो हम लोग अब जो है कि किस में आ गए हैं, 2.3। अब हम लोग को क्या करना है, 2.3 में आ चुके हैं, 2.3 मतलब 2.2 कंप्लीट हो गया। 2.2 में हम लोग जो है कि सारे जो भी पढ़ना था पढ़ चुके हैं। उसमें क्या पढ़ना था, हम लोग को पढ़ना था नस्ल मंडला के बारे में, नस्ल मंडला के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग को जो है कि यहाँ देखिए एक तस्वीर, तेरी तस्वीर याद आती है, ये देखिए तस्वीर, बड़ा कर दिए यहाँ पर हमने, जूम कर दिया है, और इस व्यक्ति को देखिए और पहचानने का कोशिश करिए, और यहाँ से जो है दो चार क्वेश्चन अपलोड लिखिए। एक पहला क्वेश्चन लिखिए, मतलब चार क्वेश्चन तो हो चुके हैं ना, तो ये पहला कहाँ हुआ, पांचवा हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन आप लोग लिखिए, भारत देश के उप प्रधानमंत्री कौन थे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत देश के उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत देश के उप प्रधानमंत्री कौन थे। छठा प्रश्न लिखिए, भारत देश में किसे लौह पुरुष कहा जाता है, भारत देश में किसे लौह पुरुष कहा जाता है। तो हो गया, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, पहला क्वेश्चन आप लोग लिखा है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, और ये जो इधर का जो है क्वेश्चन है, मतलब इधर का ये 2.3 से ये पहला क्वेश्चन आप लोग का, 2.3 में जो है पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या हो गया, पहला क्वेश्चन आप लोग का हो गया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरा भारत के नागरिक क्या था क्वेश्चन बोलते हैं, भारत में किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, भारत में किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ये तीन क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर तीन क्वेश्चन हो गया, और ये जो है आप लोगों को करना है। और इस व्यक्ति का नाम है, आप देखिए इसका नाम है, इनका नाम है सरदार झावर भाई पटेल। क्या नाम है, सरदार तो कहीं लिखा ही नहीं है, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो लिखा है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, ये जो है यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। इनका जन्म जो है 1875 में हुआ था, 1875 में हुआ था। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, और पहले क्या लौह पुरुष की उपाधि जो है इन्हीं को दिया गया है, लौह पुरुष का उपाधि इन्हें दिया गया है। पहले गृह मंत्री जो है यही थे, पहले उप प्रधानमंत्री जो है यही थे। तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आपको मिल गया। यहाँ पर आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ, एक और क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई का जन्म कब हुआ, तो उसका हो जाएगा आपका 1875 में सरदार वल्लभ भाई का जन्म हुआ था। यहाँ पर जो है इस चीज़ को भी आपका उत्तर मिल चुका है। और इनका जो है निधन जो है, मृत्यु जो है,
जैसे निधन कहा जाता है, इनका हुआ था 1950 मतलब 1950 में। जन्म गुजरात में हुआ, सरकार में गृह मंत्री, और यहाँ देखो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह एक आंदोलन हुआ था, बारदोली में जगह है वहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, किसान सत्याग्रह हुआ था, वो चीज़ में भाग लिए थे, अगुवाई किए थे, भारतीय रियासतों के विलय में जो मिलाने का कार्य किए थे यही व्यक्ति के द्वारा किया गया था। बाद में वो प्रधानमंत्री बने, भारत देश के पहले वो प्रधानमंत्री जो है ये बनते हैं। इतना जो है इनका पहचान काफ़ी है आप लोगों के लिए, आप लोग की जानकारी के लिए, इससे सवाल पूछा जाता है जिसके कारण से यहाँ पर मैंने बताया। तो इसे कृपया करके आप लोग ज़्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करना और इसको जो है नोट कर लेना। तो यहाँ पर 2.3 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2.3 में क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। 2.3 में क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो है कि अभी हम लोग जो वर्तमान समय में पढ़ें, किस प्रकार से वहाँ पर काले गोरे का जो शासन में क्या हुआ, किस प्रकार से आपसी समझौता के साथ उन लोग आगे बढ़ें, फिर उसे एक बहुत अच्छा संविधान बनाया, निर्माण किया, ये सारे बातों को हम लोग ने 2.2 में कंप्लीट किया है, 2.1 और 2.2 में कंप्लीट किया है। अब हम लोग देखते हैं आगे, दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना, मतलब भारत का भी जो है कि बहुत परिस्थितियों के अनुसार से जो है कठिन परिस्थितियों के बीच में बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश, भारत में जो है बहुत विविधता देश है, माने कि यदि हम लोग 2 किलोमीटर चलते हैं तो भाषा बदल जाती है, मिट्टी की जो है कलर बदल जाती है, यहाँ से हम लोग यदि चलना शुरू करें तो भाषा जो अलग अलग हो जाती है, 2 किलोमीटर और चलो तो और भाषा बदल जाएगी, और 2 किलोमीटर जाओ तो और भाषा बदल जाएगी, मतलब भारत में इतनी विविधताएँ, यहाँ पर पूजा पाठ करने की पद्धति जो है सबकी अलग अलग है, यहाँ पर जाति व्यवस्था जो है अलग अलग रख दिया गया है, यहाँ पर जो समस्या के भंडार हो सकते थे, यदि एक अच्छा संविधान भारत में ना होता तो यहाँ पर जो हर प्रकार की समस्या हो सकती थी, जाति दंगा हो सकता था जो कभी कभी हुआ भी है, पता नहीं हमको उतना इसलिए इसमें बात करना नहीं चाहेंगे, जाति दंगा हो सकता था, यहाँ पर जो है कि एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ सकता था, एक अच्छा संविधान ना होने कारण से यहाँ पर एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ सकता था, एक अच्छा संविधान होने के ना होने के कारण से जो है कि यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति हो सकता था, कि बहुत सारे भाषाएं भारत में बहुत सारे, महाराष्ट्र चल जाओ तो वहाँ पर मराठी बोला जाता है, बंगाल चल जाओ तो बंगाली बोला जाता है, 2 किलोमीटर आगे चल जाओ तो आदिवासी भाषा बोला जाता है, जैसे आप भी नहीं समझ पाएंगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे आदिवासी लोग, और हमारी भाषा जो है कि वो भी जो है समझ लेते हैं, कुछ कुछ हम लोग भी उनका साथ रह रखे जो है कि समझने लगे। तो ये जो भारत की विविधताएं हैं, बहुत ही विविधताएं हैं, आप महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ मराठी हो जाता है, उसी प्रकार गुजरात जाते हैं तो गुजराती हो जाता है, इस असम जाते हैं असमिया हो जाता है, आप जो है कि बंगाल चल जाइए तो वहाँ पर बंगाली हो जाएगा, आप उड़ीसा चल जाइए तो उड़िया भाषा हो जाएगा, मतलब हर जगह चाहिए, हर जगह अलग अलग भाषा है, तो इतनी प्रकार की विविधता है। पहनने का कपड़ा, पहनने का भी तरीका जो है अलग अलग है, आप गुजरात के लोगों को पढ़ने का तरीका देखिए, और आप जो है कि आप तेलंगाना की तरफ हैदराबाद के लोगों को कपड़ा पहनने का देखिए, इसके बाद आप जो है कि चेन्नई के तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु के कपड़ा पहनने का तरीका देखिए, कर्नाटक के लोगों को देखिए, खान पान देखिए, सबका किस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कि खान पान भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कि है, मतलब भाषा लैंग्वेज तो एक बात हुई, उसके बाद कपड़ा तक, कपड़ा है ना, उसके बाद उसके भाषा हो गया, कपड़ा हो गया, और रहने का तरीका सबका अलग अलग, हर प्रकार से अलग अलग है। तो भारत में बहुत जाति विविधताएँ थी, बहुत विविधता है, आज भी जो ये विविधता दिखाई देती है, यदि अपने घर से हम लोग 2 किलोमीटर चलें तो आपको पता चलेगा जो भाषा वो बोल सकते हैं भाषा हम लोग नहीं बोल सकते, बोल क्या सकते हैं सीख, इतना है कि उस भाषा को समझ तक नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा भाषा जो हमारे मात्र 2 किलोमीटर चलने से जो है कि पता चल जाता है। तो कितनी परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, कितनी मतलब की विविधताएँ भारत देश में, ये समझने की बात है। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था, यहाँ पर संविधान बनाना जो है कुछ आसान काम नहीं था, भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, मतलब 1947 में हम लोग जो है कि पहली बार आज़ाद हुए, भारत देश जो है गुलाम हुआ था, गुलाम होने के बाद हम लोग जो है कि 1947 में आज़ाद होते हैं, और उस टाइम जो है हम लोग को संविधान जो है लिखना स्टार्ट होता है, तो हम लोग जो है कि
पहले तो गुलाम थे, अब गुलाम होने के लिए एक आजाद नागरिक जो है कि हम लोग हैसियत प्राप्त कर लिए थे, मतलब नागरिक बने थे, साधारण सा नागरिक सिर्फ बने थे। और हम लोग को नागरिक को सभ्य स्थिति से रहने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, एक नियम की आवश्यकता थी, एक कानून की आवश्यकता थी, वो सारे कानून बनाने की आवश्यकता थी। तो इसलिए भारत में संविधान बना भी किस प्रकार बना वो देखिए। देश में धर्म के आधार पर हुए बंटवारे, जब भारत देश की आज़ादी हुई थी तो पाकिस्तान भारत के साथ, पाकिस्तान भी बना, भारत का ही जो सीमा रेखा एक खींचा गया, हमारे ही कुछ भाई लोग पाकिस्तान चले गए, हमारे पाकिस्तान के जो कुछ भाई लोग थे जो हिंदुस्तान आ गए, मतलब हम लोग आपस में एक धर्म के अनुसार से हम लोग जो है कि एक देश को काट दिया और काट के अलग कर दिया और एक पाकिस्तान जो है कि हम लोग जो है अलग करके बना दिया। और जो हम लोग के साथ तक कल तक खाना खाता था, साथ में घूमता फिरता था, वो जो है कि पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में जो साथ रहते थे वहाँ पर कुछ लोग थे, तो वहाँ से जो है कि भारत आ गए। और इस क्रम में आने जाने के क्रम में बहुत ज़्यादा हिंसा का भी जो है सामना हुआ, बहुत ज़्यादा जो है कि हिंसा हुई थी। ये भी जो है कि एक आम धारणा है जो बिल्कुल सही है, और ये सारे चीज़ हिंसा हुए थे। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो है कि भारत के साथ थी, इसलिए जो है कि उस समय संविधान बनाना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और संविधान को बनाना भी जो है कि इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी बहुत कठिन की परिस्थितियों के साथ जो है कि संविधान बनता, क्योंकि इतनी सारी भिन्नताएँ थीं, मुश्किलें बहुत थीं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थीं, उस मुश्किलें के सामना जो है कि भारत देश को करना पड़ा। अब आगे देखते हैं, बंटवारे का भी झेली थी भारत और पाकिस्तान के लोग के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दलहाने वाले अनुभव, मतलब जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है कि आपस में लड़ मर गए थे, बहुत सारे लोग जो है भारत से पाकिस्तान जाने के क्रम में मर गए, बहुत सारे जो पाकिस्तान से भारत आने के क्रम में मर गए, तो अपना ही देश काटा और फिर हम लोग लड़े आपस में और लड़के जो है कि मर गए। तो ये भी स्थिति उस समय का था, 1947 का जो स्थिति था बहुत भयानक स्थिति था। उस स्थिति में हम लोग तो थे नहीं, जो व्यक्ति थे उनको पता है कि कितना भयानक स्थिति रहा होगा। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे, मतलब भारत और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान उस समय बना कटने के बाद, और कटने के बाद जो है कम से कम 10 लाख लोग जो है कि एक दूसरे से लड़के मर गए। सोचने वाली बात है, पहले हम लोग गुलाम थे, गुलाम जैसे हम लोग की आज़ादी मिली तो हम लोग धर्म के अनुसार दो स्थान को काट के बांट लिए, और बांटने के बाद हम लोग क्या है कि लड़ लड़के 10 लाख लोग हम लोग खुद मर गए। कितनी क्या कौन सी सोच थी, ये कैसी सोच थी समझ में नहीं आती है। लेकिन स्थिति और परिस्थिति उस समय कितना ख़राब था, सोचने वाली बात है, हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आज कोरोना वायरस यदि देखा जाए तो अभी भी जो है कि लगभग 3 लाख लोग मरे हुए हैं, 3 लाख जो है कि लोग बीमारी से मरे हैं, उससे ज़्यादा उस समय एक दूसरे से लड़ लड़ के मर गए, मतलब बीमारी से भी भयानक, कितना भयानक परिस्थिति। सोचिए कल तक हम लोग साथ में खाना खाते थे और जैसे ही विभाजन हुआ एक दूसरे से लड़ने लगे, और लड़ने के बाद जो है एक दूसरे को मार काट करने लगे। हम लोग एक साथ जो है त्यौहार बनाते थे, एक साथ जो है त्यौहार हर त्यौहार बनाते थे, हर पूजा पाठ त्यौहार जो भी हो सारे साथ मिलकर काम करते थे, घूमते फिरते थे, हर एक चीज़ करते थे। लेकिन क्या हुआ, फिर हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। जैसे देश आज़ाद होता है, जैसे हम लोग गुलाम से आज़ाद हुए, नहीं हमको जो है कि दूसरा देश चाहिए, और दूसरा देश एक बना लिए, और दूसरा देश बनाने के क्रम में जो है कि हम लोग का 10 लाख लोग जो है कि आपस में ही लड़के, ये तो सरकारी आंकड़ा होगा, ये जो किताब में लिखा है तो सरकारी आंकड़ा है। अब सोचने वाली बात है कि 10 लाख यदि है तो कितने 10 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब आंकड़ा में जब 10 लाख मिला है तो बिना आंकड़ा के भी यदि कोई मरा होगा तो उसका भी कुछ आंकड़े हो सकता है, तो ये भी सोचने वाली बात है। ये ना होना नहीं चाहिए था, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हुई। तो ये सारी समस्याएं थी, और ये समस्याएं का जो है समाधान करना था, समाधान हल करके एक संविधान का निर्माण करना था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को आज़ादी दे दी थी, मतलब भारत जो है 575 टुकड़ों में बटा था, उसमें 575 अलग अलग राजा हुआ करते थे, और
अंग्रेज़ों ने कहा कि या तो आप भारत के साथ मिल सकते हैं या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। मतलब बंटवारा हो गया था, तो एक पाकिस्तान देश बन गया था, एक भारत देश बन गया था, अपना ही ज़मीन में दो देश बन गए, एक भारत देश एक पाकिस्तान देश। और अंग्रेज़ जब यहाँ से जा रहे थे तो इस बात को बोला कि आप यदि चाहें तो भारत में रह सकते हैं, आप यदि चाहें तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, आप यदि चाहें तो एक देश खुद बना सकते हैं। मतलब कहीं भी जो आप अपना देश बना लीजिए, और छोटा छोटा जैसे हमारा कोई भी जिला है तो जिला इतना जो है कि किसी राजा का एक जगह है, अब वो जो है कि उसको देश बनाना चाह रहा है। कौन से दिमाग लेके ये पैदा हुए थे ये लोग, कैसे दिमाग लेके पैदा हुआ था पता नहीं। आप यदि सही तरीका से पढ़ना शुरू करें और देखना शुरू करें तो मात्र एक जिला कितना बड़ा होता है आप लोग जानते होंगे, उतना बड़ा एक राजा का जो है शासन हो रहा है, और वो बोल रहा है कि नहीं हमको तो अपना एक देश बनाना है, हम एक देश बनाएंगे, हम मिलेंगे नहीं भारत से, हम एक देश बनाएंगे। सोचने वाली बात है, कहाँ का दिमाग लेके पैदा होने वाले ये लोग थे पता नहीं। लेकिन ये सारी समस्याओं का हल जो है कि यहाँ पर जो चेहरा दिखाएं, ये रियासतें को जो है कि मिलाने का कार्य जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सारे जितने भी राजवाड़े थे जो अलग अलग होना चाहते थे, जो कहते थे हम एक देश बनाएंगे, एक अलग देश बनाएंगे और अलग रहेंगे, उन सबको जो है कि एक करने का कार्य जो है कि सरदार पटेल ने किया। किस प्रकार से किया होगा सोचिए। आज बाप बेटा का बात नहीं मानता, बेटा बाप का बात नहीं मानता, एक दूसरे का किसी का बात कोई नहीं मानता, लेकिन लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात माने। किसने माने? लोगों ने माने, राजाओं ने माने, और मानने के बाद जो है कि भारत के साथ विलय हो गए, एक अच्छी बात जो है देश के लिए उस समय का रहा था। लेकिन 10 लाख की मरना बहुत बड़ी बात है। विलय कर दे या स्वतंत्र रहे, इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। मतलब बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष वाला काम था। जब संविधान लिखा, जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जिस प्रकार से अभी हम लोग वर्तमान समय में हैं। तो वर्तमान समय में सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना खाते हैं, सारे लोग जो एक साथ घूमते हैं, जो भी करना होता है सब लोग हम एक स्थिति में करते हैं। फिलहाल भी कोरोना वायरस के कारण सब लोग घर में रहते हैं, ये अलग बात है, सब लोग घर में अलग अलग पढ़ाई करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन उस समय की जो स्थिति है, हम लोग यदि कोरोना वायरस के पहले वाली यदि बात करें, 2019 की बात करें, तो उस समय कितना चैन शांति करें, कोरोना वायरस चल जाएगा तो फिर हम लोग साथ में खाएंगे, बैठेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, जो भी करना है बातचीत सब कुछ जो है कि हम लोग एक साथ करेंगे। ये सारी चीज़ें जितनी यहाँ पर अभी शांति दिखाई दे रही है, जितनी प्रकार की शांति दिखाई दे रही है, ये शांति उस समय नहीं थी। किस समय नहीं थी? उस समय 1947 में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। मतलब आज के समय संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। मतलब उस समय का जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा चिंता था जो संविधान को निर्माण कर रहे थे, और भविष्य, भविष्य मतलब जो हम लोग हैं, आज हम लोग भविष्य हैं। उस समय का जो व्यक्ति 47 में जो जन्म लिया था, वो सारे व्यक्ति हम लोग के बारे में कितना चिंता कर रहा था, किस प्रकार से बातें संविधान में लिख के जा रहा था, ये उस समय की बातें। उन लोग भी भविष्य का चिंता कर रहे हैं जिस प्रकार से आज हम लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। चिंता कर रहे हैं तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो क्यों देखते हैं? देखते हैं, स्कूल में आके हम लोग पढ़ते रहते हैं। और यदि अपना अपना भविष्य के बारे में चिंता नहीं होता, आप लोग क्या चिंता है? पास करना है, पास नहीं हुआ तो अच्छी बात नहीं होगी, बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं? और उसके लिए पढ़ना जरूरी है पास करने के लिए, और पास करने के लिए अब तो स्कूल जा ही नहीं सकते हैं। स्कूल जाना तो सरकार ने पाबंद करके रखा हुआ है कोरोना वायरस के कारण से, तो हम लोग क्या है, घर बैठे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग घर बैठे ही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद इसको जो हम लोग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा जो है कि हम लोग ज्ञान को लें, और लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आई जो है कि सारे चीज़ को जो है समझ कर, समझने के बाद एक जो बुनियादी आंसर होगा, जो बढ़िया आंसर होगा, उसको हम लोग परीक्षा में लिखेंगे। परीक्षा में लिखने के बाद जो है कि हमें जो है कि पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात है,
संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य का चिंता थी, तो हम लोग भी अपने भविष्य का सारे लोग चिंता करते हैं, सारे लोग चिंता करते हैं। यहाँ पर देखते हैं खुद करें और खुद सीखें, ये करने योग्य है, लेकिन आप कर सकते हैं तभी करिएगा, नहीं कर सकते तो नहीं करिएगा। चार क्वेश्चन जो है, चार पाँच क्वेश्चन आपको पहले दे दिया गया है, आगे और क्वेश्चन दिया जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा उतना दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या लिखा है। अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, मतलब आपके घर में कोई दादा होगा या दादी होगा या अड़ोसी पड़ोसी में कोई बुजुर्ग आदमी होगा, बूढ़ा आदमी होगा, उनसे पूछिए कि क्या उनको आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद हैं। मतलब उनसे पूछना है कि बताओ या बताइए, आपको पता है कि भारत देश गुलाम भी था, भारत देश में संविधान भी बना, भारत देश में जो है कि मार काट भी हुआ, भारत देश का बंटवारा हुआ, ये आपको पता है? उस समय के लोगों को किन बातों की उम्मीद थी, मतलब वो उस समय जो 1947 के समय थे वो क्या सोचते थे और क्या क्या अंदेशे थे, मतलब क्या क्या सोच रहे थे, ये हो सकता है ना, वो हो सकता है ना, क्या हो जाएगा। अपनी कक्षाओं में इन बातों की चर्चा कीजिए, ये जो है अपनी कक्षा में चर्चा करने की ज़रूरत है। तो आप लोग का कक्षा, मतलब अभी जो है फिलहाल कक्षा है ही नहीं, तो कक्षा नहीं है तो आप लोग का कक्ष जरूर है, कक्ष मतलब रूम, आप लोग घर हैं, घर में रूम है, रूम में लोग हैं और आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, वो सारे लोगों से चर्चा कर ही सकते हैं। अभी आपका कक्षा मतलब कक्ष हो गया, अभी जो कक्षा जो है कक्षा क्लास के जगह में रूम आ गया, मतलब कक्षा तो नहीं है आप लोग के पास, तो कक्ष का इस्तेमाल करें। अब कक्ष का इस्तेमाल करेंगे तो कक्ष में क्या है, कक्ष में मतलब अपना रूम, रूम में तो आपके घर में तो लोग हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उन लोगों से चर्चा कर सकते हैं, उनसे चर्चा करिए और जानने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए कि 47 की स्थिति कितनी भयानक और कितनी मुश्किल भरी थी। संविधान निर्माण का रास्ता, सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी, मतलब उस प्रकार भारत की जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की थी। लेकिन यहाँ पर संविधान की यदि बात किया जाए तो भारत का संविधान 1947 में बनना स्टार्ट हुआ था और दक्षिण अफ्रीका का जो है 1984 में, तो अंतर है, इस बात को भी जान लीजिएगा, अंतर है ना, तो ये ना समझिए, भारत का संविधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से पहले बना है, ये भी बात याद रखो। जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों में सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति में उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में अब ये 25 हो गया, तो 25 एक फोटो और था जिसको दिखाना है, ये देखिए एक फोटो और, ये फोटो में आपको महिला दिखाई दे रही होगी, देखिए इनका नाम है सरोजनी नायडू, देखिए यहाँ पर इसका नाम भी होगा। इनका जन्म है 1879 में और इनका निधन हुआ 1949 में, आज़ादी के 2 साल बाद। जन्म आंध्र प्रदेश में और ये कवित्री थी, मतलब कविता लिखती थी, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी, बाद में उत्तर प्रदेश की ये जो है राज्यपाल बनी। इसके बारे में कुछ पढ़ना होगा तो हम लोग जो है कि आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं आगे क्या क्या क्या, यहाँ पर ये पैराग्राफ चल रहा है हम लोग का। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, मतलब हम लोग जो है कि विदेश लोगों को, जो विदेशी लोग थे, जो हम लोग गुलाम बना के रखे होते हैं, उन लोगों को सिर्फ भारत से हटाना ही हम लोग का मकसद नहीं था, यहाँ पर कहा जा रहा था, या ना केवल अपने समाज को फिर से जगाने वर्णन अपने समाज को राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था, मतलब अपने समाज को एक नए तरीका से आगे बढ़ाने का एक मतलब सोच भी थी। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, मतलब आज़ाद हो गया जब भारत, तो अब कौन सा रास्ता जो भारत को चुनना चाहिए, किस रास्ते में हम लोग को चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे, मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग मानना था। ऐसे कुछ मतभेद अब
तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों का लगभग सभी लोगों ने सहमति कायम हो चुकी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ, मोतीलाल नेहरू का यहाँ पर लिखा हुआ है मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू कौन थे ये भी जान लीजिए, आप लोग को पता होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू हम लोग के पहला प्रधानमंत्री कौन हुए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके जो पिता थे उनका नाम जो है मोतीलाल नेहरू था। और कांग्रेस के आठ अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, मतलब जब आज़ादी के लिए जब लोग परेशान थे और जब आज़ादी के लिए जब काम कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी की जो है 1928 में जब बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि किस प्रकार का जब आज़ाद हो जाएगा भारत, आज़ाद हो जाएगा तो किस प्रकार से भारत का रूपरेखा होना चाहिए, इसमें जो है कि विचार कर रहे थे। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वैश्य मताधिकार, मतलब सार्वभौम मतलब सारे लोगों को, और वैक्स मतलब जो युवा हैं, युवा कौन है तो 18 वर्ष होने वाले लोगों को, वैक्स मतलब वो वैक्स हो गए हैं और समझदार हो गया, उसको दिमाग विकसित हो चुका है। मताधिकार मतलब उसको जो अधिकार, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता मतलब हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता रहेगी, समानता मतलब हर एक व्यक्ति जो है बराबर है, हर एक व्यक्ति जो है बराबर है, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मुद्दों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी, मतलब पहले से ही सहमति जो है बनी हुई थी। ये कुछ प्रमुख बातें थी जिसमें सहमति बनी हुई थी। औपनिवेशिक शासक मतलब कौन थे औपनिवेशिक, जो अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखे हुए थे, जो अंग्रेज लोग हैं उन्हें हम लोग जो है कि औपनिवेशिक कहेंगे, मतलब कोई देश गुलाम बनता है, जो देश गुलाम किसी देश को बनाता है, जो देश किसी देश को गुलाम बना रहा है, मान लो कोई भी देश जैसे इंग्लैंड जो है भारत को गुलाम बनाया तो इंग्लैंड जो है वो क्या कहलाएगा, औपनिवेश कहलाएगा, क्या कहलाएगा, औपनिवेश कहलाएगा। इसके साथ आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, औपनिवेश से आप क्या समझते हैं, औपनिवेशिक से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और राज व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार था। जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत देश में, तो बहुत कम लोगों को अधिकार दिया गया था कि कौन कौन सारे लोग जो है कि वोट कर सकते हैं, किन किन लोगों को वोट करने का अधिकार है, किन किन लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है। ये जो है कि किसने बना के रखा हुआ था, इंग्लैंड ने बना के रखा हुआ था। और यहाँ तक इतनी गंदी स्थिति थी भारत की, कर बना कर रख दिया था कि यहाँ पर जो है कि महिलाओं का अधिकार जो है कि पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 1950 मतलब 1950 के बाद ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार है उस दिया गया, उससे पहले जो है कि किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं दे रहा था, कि महिलाओं पर जो है कि समझदारी नहीं होती, उन लोग जो है कि कहाँ वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे पता नहीं, इसलिए उसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का मानना हुआ करता था ये सारे देशों का। लेकिन भारत देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब संविधान बना, तो पहली बार जो है भारत में महिला पुरुष जो भी है युवा सारे लोग वोट कर सकते थे। यहाँ पर लिंग भेद ना किया गया, मतलब तुम महिला हो तुमको जो वोट देने का अधिकार नहीं होगा, अरे तुम तो पुरुष हो तुमको तो वोट देने का अधिकार हो, ऐसी स्थिति भारत में नहीं रही। मतलब यहाँ महिलाओं का जो सम्मान किया गया, भारत की आज़ादी के साथ से ही जो है कि महिलाओं का सम्मान जो है किया गया। अंग्रेजी हुकूमत में बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार था, इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर था, मतलब जो मंत्रिपरिषद जो बनाने का काम किया था अंग्रेजों के द्वारा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव कराए गए थे, इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं, मतलब कुछ जगह में भारत के लोगों को जो है कि चुनने का अधिकार था कि आप चुन सकते हैं और आप सरकार के में शाखा बन सकते हैं। मैंने कहा था ये जब वीडियो स्टार्ट किया था तो समय इस बात को कहा था कि अंग्रेज लोग कितने दिमागदार थे, तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर नेता लोग सत्ता में हैं, यहाँ पर
सैनिक कौन बना हुआ है? भारतीय जनता लोग बना हुआ है। पुलिस कौन बना हुआ है? भारत का जनता लोग बना हुआ है। और शासन किस पर कर रहा है? अपने ही लोगों पर कर रहा है। और फिर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको आज़ादी भी चाहिए। इस प्रकार का सोचने वाली बात है कि अपने ही लोग को मार रहे थे, अपने ही लोग अपने लोग पर गोली चला रहे थे। केसरी मूवी आप देख सकते हैं, केसरी मूवी में जो है कितने सारे सिख जो हैं, तो वो सारे कौन हैं? वो सारे लोग जो है कि कहाँ अंग्रेजों के लिए जो है कि काम कर रहे थे। और आप जो है कि अंग्रेजी लोगों के लिए सिर्फ सिख ही काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग हिंदू लोग, बहुत सारे लोग जो है कि सारे हिंदू मुस्लिम जो भी हो उस समय में कर रहे थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली ये भी है कि आप एक नेगेटिव सोच करना चले कि उन लोग काम क्यों कर रहे थे। यहाँ पर ये भी बात है कि उन लोगों का इतनी स्थिति खराब करके रख दी थी अंग्रेजों ने, इतनी स्थिति खराब करके रख दी थी कि जो है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी थी। लोग खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो लोगों को मजबूरी में या तो उसे सेना में जाना पड़ रहा था, पुलिस में जाना पड़ रहा था, या इस प्रकार से करना पड़ रहा था। बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, स्थिति दोनों तरह से जानना पड़ेगा किस प्रकार है। आप लोगों को पता होगा 1857 वहाँ पर सैनिक विद्रोह हुआ, जिसमें मंगल पांडे ने स्टार्ट किया। उसके बाद कितने सैनिकों लोगों ने किस तरह से जो है कि अंग्रेजों की हुकूमत को हिला कर रख दिया था। लेकिन क्या हुआ, फिर से भारत जो है कि वही गुलामी को चखा। भारत गुलाम रहा, गुलाम रहा। हम लोग जो है कि अपने ही लोगों पर जो है कि ये कुछ हुई थी। यहाँ पर जो है कि जानने वाली बातें हैं, इसको जो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारे चीज़ों को है। लेकिन देखिए, देश के प्रति सबका समर्पण था, सब लोग देश की आज़ादी के लिए चाहते थे। जो सिख हैं, सिख जो है आगे बढ़कर काम किए, दो कदम तो आगे बढ़कर ये सिख काम किए। मतलब हर एक व्यक्ति को जो है कि जैसे भगत सिंह एक सिख लड़का ही था, जिसने देश की सत्ता में जो सत्ता थी, देश की सत्ता में जो सत्ता थी, मतलब एक सत्ता जो हम ही अपने लोगों की सत्ता थी, वो सत्ता को तो हिला ही दिया था। इसके बाद जो अंग्रेज की जो सत्ता है उसको भी जबरदस्त तरीके से हिला दिया गया था। और इतनी डर इस सिख लड़के, जो हमारे आदर्श हो सकते हैं, भगत सिंह जो है कि हम लोग के आदर्श हैं, उनके बातों को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, वो व्यक्ति जो है इतना उससे डर, मात्र 22-23 साल का लड़का, जो हम लोग की एज, हम लोग का एज का बराबर का लड़का, उससे जो है कि पूरा अंग्रेज शासन डर गया, पूरा का पूरा। और सोचने वाली बात यह है कि फांसी देने की जो है तारीख 24 अप्रैल था, 23 मार्च के जगह आपका जो है मार्च में था, 24 मार्च, 24 मार्च। लेकिन इतना डर अंग्रेजों का, इतना डर कि एक दिन पहले ही जो है कि फांसी दे दिया गया तीनों को। अंग्रेज हम लोग से डरते थे, लेकिन हम लोग जो है कि अनेक थे, एक नहीं थे, अनेक थे। हम लोग का सबका विचार अलग अलग था, इसलिए हम लोग पर जो है कि शासन कर दिया गया है। और हम लोग पर जो है कि आराम से जो है कि शासन करते गया और वर्षों वर्ष तक जो है कि हम लोग के ऊपर जो है गुलामी का भार लगा रहा, और ये कलंक जो है कि जिंदगी भर रहा। अब हम लोग जो भी बच्चा जन्म होता है तो उसको ये बताया जाता है, हम लोग जैसे कि जन्म जो है कि हुआ तो हम लोग तो 47 में जन्म नहीं लिए, गुलामी के समय में जन्म नहीं लिए और गुलामी की स्थिति को नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग को ये चीज़ बताया जाता है कि भारत देश जो है कि गुलाम था, और हम लोग को बुरा लगता है भारत देश कैसे गुलाम हो गया जी, इतना बड़ा देश, इतना सारा पब्लिक, इतना सारे लोग, उसके बाद भी भारत देश गुलाम, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये भी बात हम लोग को सिखाया जाता है, इतिहास भुलाना नहीं चाहिए, इतिहास को याद रखना चाहिए। भारत देश गुलाम हुआ था ये बात हम लोग जानते हैं, और ये बात जानते हैं, और ये बात अब हम लोग कहते हैं कि अब जो है कि जो गलती हो गई थी उस समय, जो हमारे पूर्वजों के समय में गलती हो गई थी, जो स्थिति उस समय बनी और गलती हो गई, वो गलती अब ना होने देंगे। और सारे लोग शपथ लेते हैं अपने देश को आज़ाद रखने के लिए, और आज़ाद हम लोग तभी रख सकते हैं जब हम लोग जो है कि एक साथ और सही नीति को बनाकर भारत देश को चलाएं, और पढ़े लिखे लोग जो है कि भारत देश को चलाएं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग एक नौकरी के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए एक स्कूल जाइए और स्कूल का चपरासी के लिए जाइए,
आप जो है कोई दूसरा काम के लिए नहीं जा रहे, चपरासी के लिए, और कहिए कि एक आप डीएवी स्कूल चल जाइए, डिनोबली चल जाइए, सेंट्रल स्कूल चल जाइए, और वहाँ पर बोलिए हमको जो है चपरासी का वर्क करना है, मतलब चपरासी का काम हमको करना है, आप हमको चपरासी का काम दे दीजिए, दूसरा कोई काम नहीं, मात्र चपरासी का काम दे दो। तो वहाँ पर बोला जाएगा कि आप कितना पढ़े, और आप बोलेगा हमने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा ही नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, हमने कुछ नहीं पढ़ा। वहाँ पर बोलेगा माफ़ कीजिए, मैं आपको चपरासी का नौकरी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फाइल जो है यहाँ से वहाँ देना पड़ता है, तो पढ़ के नहीं दीजिएगा तो हर समय आपको बताया जाएगा कि ये फाइल ऐसे करो वैसा करो, तो आपको वहाँ पर भी पढ़ाई की ज़रूरत है। और वही लड़का जो चपरासी के लिए मान लो सेंट्रल स्कूल जा रहा है, और उसको जो है कहा गया कि आप पढ़े नहीं हैं, इसी कारण से मैं आपको नौकरी में नहीं रख सकता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, वही लड़का निकल के जाए और कोई एमएलए का फॉर्म भरे, फॉर्म तो आता नहीं, नॉमिनेशन करा ले, जाकर अपना नामांकन करा ले और एमएलए के पद में खड़ा हो जाए और जीत जाए, तो जो सेंट्रल स्कूल में वो काम करने मांगने गया था, सेंट्रल स्कूल में काम मांगने के लिए गया था, क्या बोल के मांगने गया था कि हमें जो है नौकरी की आवश्यकता है, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो समय उसे काम नहीं मिला। अब क्या है, सेंट्रल स्कूल उसको कॉल करेगा एमएलए का, भाई आ मेरे 10th क्लास के बच्चे जो है ना फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, उसे प्राइज देना है और आपके हाथों से देना है। तो सोचने वाली बात है कि भारत की कौन सा कंडीशन में आ गया है कि एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए जाता है तो वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं इसी कारण से आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन आप जब नेता के लिए जब पद भरते हैं और आप सीट जाते हैं, तो वही स्कूल आपको बुलाता है और बोलता है ये मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया, ये सारे बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन आए हैं, आइए आप जो है इन्हें पुरस्कृत कीजिए, इन्हें आपको दीजिए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े पद में गए और नेतागिरी में पद में बड़े बड़े पद में गए हैं और क्या है एजुकेशन जीरो। सोचने वाली बात है, जब एजुकेशन इतने बड़े पद में, प्रधानमंत्री का पद जो होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, उसमें भी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर चपरासी बनने के लिए आपको जो है एजुकेशन की आवश्यकता है। तो ये समानता किस प्रकार की है कि हमें तो थोड़ा समझ में नहीं आती है, लेकिन समानता के अधिकार भारत में है। तो इसी कारण से पढ़े लिखे लोग कितने बेरोजगार घूम रहे हैं और जो अनपढ़ लोग हैं उस पर किस प्रकार से शासन करते आ रहे हैं 47 से, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना जानिए कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिख जाएंगे जो बिना एजुकेशन का कितना बड़ा नेता बन गया, और यहाँ पर एक नौकरी आपको जो है चपरासी का नौकरी बिना पढ़ाई के नहीं देगा, बिना पढ़ाई का नहीं देगा। जिस स्कूल में आप जाएंगे चपरासी की नौकरी करने के लिए, ध्यान रखिए, याद रखिए इस बात को, दिमाग में खोस लीजिए, जिस स्कूल में आप जाएंगे चपरासी का नौकरी मांगने के लिए वहाँ नहीं मिलेगा। आप एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, वो आपको इज्जत के साथ बुलाएगा और बोलेगा मेरा बच्चा पास हो गया, इसको थोड़ा सा प्राइज दे दो, और प्राइज भी वो अपना, मतलब एमएलए अपना प्राइज खरीद के नहीं लाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात है, प्राइज देना जो स्कूल ही अपना व्यवस्था कर रखता है, सिर्फ उसके हाथ से दिला देता है, कितना महान आदमी है वो एमएलए जो पहले आया था बेचारा नौकरी मांगने के लिए और बाद में उसे नहीं मिला। ये तो हमने विनोद में बोला है, है ना, ये चीज़ को मजाक में बोला है, रियल ऐसा हो सकता है कभी कि कोई व्यक्ति जो है कहीं मांगने के लिए गया हो पद, और वो यदि एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो उसे बोला जा रहा होगा कि आ जा भाई, तो बोलता होगा मैंने आया था यहाँ पर, याद है आपके स्कूल में हमें नौकरी मांगने के लिए आया था, आपने नहीं दिया, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने नौकरी नहीं दिया, और आज आप जो है हम एमपी बन गए, और आपके बच्चों को जो है जो फर्स्ट मारा है उसको हम प्राइज देंगे, और आप ही वाला प्राइज देंगे, हम खरीदेंगे थोड़ी ना, आप ही का प्राइज जो है मैं उसको दूंगा। सोचने वाली बात है कितनी स्थिति क्या है। चुनाव कराए गए थे, इसमें से बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना थी। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्थाओं के लगभग जस का तस अपना लिया गया, बहुत सारी व्यवस्थाओं को जो जैसे थे उसी तरह से अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार का कानून, मतलब गुलाम भारत सरकार का कानून, अंग्रेजों का कानून, उसको जस का तस
अपना लिया गया। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से ही चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने के कोई हिचक झिझक नहीं थी। मतलब जो अच्छे विचार थे बाहर बाहर देशों से ले लिया गया। संविधान में बहुत सारे देशों से जो एक लिया गया है, और ये चीज़ बात सही है, जो बहुत सारे जो है लिया गया है। और लेने का कारण क्या था कि जो अच्छे चीज़ है उसको लेने में कोई हर्ज नहीं होता है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। मतलब जो भी देश से जो भी कानून लिया गया वो ये चीज़ को मतलब जानने का प्रयास करते थे कि ये कानून यदि भारत के लिए बना दिया जाए तो क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें जो है कि कई तरह के सवाल पूछते थे उस समय के वर्तमान स्थिति के नेता, मतलब 1947 के जो लोग थे वे लोग, आज के लोग नहीं, जब संविधान बन रहा था उस समय के लोग। इस बात को याद रखिएगा। हर कदम पर वे यह सवाल पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। मतलब हमारा जो संविधान है, ये सारे जो विभिन्न विभिन्न देश से लेकर निर्माण करने में जो है कि मदद मिला। संविधान सभा, फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, बनाने वाले कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ कुछ जानकारियाँ मिलेगी। मतलब यहाँ पर संक्षेप में मिलेगी, आगे क्लास जब आप लोग पढ़िएगा तो विस्तार से मिलेगा। जैसे आप 10 में जाइएगा, 11 में जाइएगा, यदि आप पढ़ना चाहेंगे सिविक्स तो आपको जो है कि और बढ़िया से मिलेगा, और आगे चल जाएगा 10 के बाद इंटर के बाद जो आप और आगे बढ़िएगा तो आपको और विस्तारपूर्वक जानकारी मिलेगा। यहाँ पर संक्षेप में जानने के जो है दिया गया है। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहती है। मतलब हमारे देश के द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा जो है संविधान बनाने के लिए चुनने के लिए जो है कि लोगों को चुना गया कि कौन कौन सारे लोग जो है कि संविधान को लिखने के लिए योग्य हैं उसे चुना गया। चुने गए जनप्रतिनिधियों, और किसने चुना, देश के लोग जो थे, मतलब हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वे लोग जो है चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है ये सवाल लिख लीजिएगा कि संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आप लोग तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, यहाँ विस्तारपूर्वक चर्चा करें। आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। मतलब कि जब भारत गुलाम ही था, 1946 जुलाई का महीना था, उसी टाइम जो है कि चुनाव हो चुके थे संविधान सभा का गठन करने के लिए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946, मतलब कि भारत में जो संविधान सभा का प्रथम बैठक था वो गुलाम भारत में ही हुआ था, और कब हुई थी तो 1946 में हो गई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बट गए। इसके बाद जो है कि भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, मतलब सारे लोग चुने थे तो दो हिस्से आए थे तो संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई। अब क्या है, संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। मतलब दो दो संविधान सभा कौन कौन हो गया, एक भारत के और एक हो गया पाकिस्तान के। यहाँ पर कुछ लोग हैं और हैं तो उसको बारे में जो है कि यहाँ पर देखते हैं। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जन्म सऊदी अरब में हुआ था, मतलब ये भारतीय नहीं थे, सऊदी अरब में जन्म हुआ था, मतलब जन्म इनका जो भारत में नहीं था और सऊदी अरब में इनका जन्म था। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रिम भूमिका, मुस्लिम अगलावादी, राजनीति के विरोधी, भारत में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, ये जो है शिक्षा मंत्री रहे। उसके बाद है टीटी कृष्णमचारी, तमिलनाडु के जन्म था इनका, 1899 में इसका जन्म हुआ, 1974 में इनका जो है कि
मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वित्त मंत्री रहे। और कौन थे यहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपति, ये देखिए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 1884 में 1963 में जन्म, बिहार संविधान सभा के अध्यक्ष, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। ये जानने योग्य बातें थी, इसलिए यहाँ पर यहाँ देखिए जयपाल सिंह। जयपाल सिंह के बारे देखें तो क्या है, जयपाल सिंह 1903 में जन्म हुआ इनका और 1970 में इनका निधन हो जाता है। जन्म झारखंड में, अरे माँ झारखंड का नाम आ गया अपना झारखंड। झारखंड में जयपाल जी का जो है कि जन्म हुआ था। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, बाद में ये झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। झारखंड पार्टी जो है अभी तो नहीं सुनाई देता है कहीं, तो झारखंड पार्टी के जो है कि संस्थापक बने। अब हम लोग देखते हैं एच सी मुखर्जी, जन्म बंगाल में हुआ था 1887 में, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गई थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल थे। इसके बाद जी दुर्गाबाई देशमुख, जन्म 1909 और इनका जो निधन 1981, जन्म आंध्र प्रदेश, वकील, महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी, संस्थापक अध्यक्ष। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ कार्य दिया गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 मतलब 1 कम 300 सदस्य थे। कितने थे? 299 सदस्य थे। इसमें इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। देखो यहाँ पर एक सवाल आप लोगों को है कि जो संविधान सभा, जो संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर आपको जो है लिखना है, तो यहाँ पर कितने लोगों लिखिएगा, 299। और कब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, ये इसी के याद में मनाया जाता है, यहाँ पर जो आप लिखित रूप में लिखा हुआ है। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? मतलब ये जो आज यदि देखा जाए तो 70 साल पहले बनाया गया ये जो है संविधान है, लेकिन आज भी हम लोग हू बहू मानते हैं, जो वहाँ लिखा गया है उस चीज़ को हम लोग मानते हैं। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, या अपने समय का व्यापक समितियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहाँ की सभी सामाजिक समूह का या राजनीतिक दलों की समिति नहीं थी। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दोबारा संविधान को लिखना पड़ा, लेकिन भारत देश को ऐसा कभी स्थिति नहीं आई जो दोबारा जो है यहाँ पर लिखना पड़े। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है। मतलब बहुत सारे देश में संविधान है पर लेकिन कागज की तरह ही सिर्फ फेंका हुआ है, मतलब जिस प्रकार हम लोग कागज को जो है रखे हुए रहते हैं उसी प्रकार है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का रूप एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूह ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। उस समय सार्वभौम
बस मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य ने ही किया था जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों को लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे, मतलब हर अलग अलग जाति, धर्म और समूह के लोग हुआ करते थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह होता। और अतः जिस तरह संविधान सभा में काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता को दिखाती है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वित बनाने का प्रयास पर आधारित है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चर्चा के लिए एक प्रारूप बनाया गया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई थी, जो 1000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। 3 वर्षों के कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां की गई हर बात का रिकॉर्ड किया गया, मतलब वहां पर जितने भी बात कहे गए, जो जो बात कहा गया, वो सारे बात रिकॉर्ड किया गया। 114 दिन तक, 144 दिन तक जो है कि वहाँ पर डे तक जो है कि वहाँ पर चर्चाएँ हुई थी और रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया है, मतलब जो भी बातें आज भी हम लोग सुन सकते हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया, मतलब जो भी वहां पर बातचीत हुए थे। यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो आप इस बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी हम बहस के दस्तावेज का उपयोग करते हैं और हम लोग जो है संविधान को समझने के लिए भी जो है कि उसका बहस का उपयोग जो है करते हैं। अब हम लोग कल जो है पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 2.4 होगा। आज हम लोग बहुत पढ़ लिए, आप लोग का बैटरी जो है डाउन हो जाता है। सुनने में आया है, आप लोग का कमेंट आया है कि बैटरी डाउन हो जाता है, भाई चार्ज किया करो, चार्ज किया करो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में, यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको रट के याद करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उत्तर प्रस्तुत करें। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। यहाँ पर ये 3 सवाल है, इस 3 सवाल को अपने अनुसार जो है लिखने का प्रयास करो, जो भी लिख सको लिखो, है ना। और कुछ बातें जो आप लोग से लास्ट में हम बोलते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप लोग के द्वारा बहुत अच्छा पढ़ाई किया जा रहा है। आप लोग रोज़ आइए, पूरा वीडियो देखें, कंप्लीट करिए, क्वेश्चन बनाइए, दूसरे दिन उस सारा चीज़ को आप डाल दीजिए। और इस बार जो आप लोग को कॉपी मंगवाया जाएगा, चेक जो है कि करने का प्रयास होगा, सारा कॉपी चेक होगा और आप लोग को फिर से कॉपी वापस कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है कि इसे जो है कि समझें, इसे मजाक में ना लें, पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें और अक्सर जो है लाइव ही पढ़ें। लाइव पढ़ने का जो मज़ा है वो अलग मज़ा है, तो लाइव पढ़िए, है ना। रोज़ जो है आप लाइव आने का कोशिश करिए। किसी दिन नेट का प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करिए। यदि वीडियो रह गया, कहे कि मुझे उतना नहीं ज्ञान होने के कारण से ये पता नहीं कि कब वीडियो कब डिलीट होगा, ये सेट हो चुका है, ना एक सप्ताह के अंदर या फिर एक दिन के अंदर या एक घंटा के अंदर या लाइव के बाद जो है डिलीट हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग जो है कि ये चीज़ है, नहीं तो यदि बाद में सारा कंप्लीट होने के बाद देखेंगे तो वीडियो मेरे पास सुरक्षित है, फिर से अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए हमें जो है कि नेट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर तो आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं किस प्रकार का नेट का प्रॉब्लम चलता है, तो ये भी समझिए। और अपना मोबाइल जब भी है 8:10 से पहले, मतलब 8 बजे तक आप लोग अपना मोबाइल जो 100% चार्ज कर लीजिए, कंप्लीट चार्ज कर लीजिए, चार्ज करके रखिए, नहीं तो फिर जो है चार्ज तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि मेहनत हम लोग का लग रहा है तो मेहनत में तो आप लोग से भी कराएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो ऐसर बोलिएगा, आपको सारे बातें समझ में आए तो ऐसर बोलिएगा, और वीडियो के साथ साथ में लाइक बटन है, यदि आप लोग चाहें तो लाइक बटन दबा के
हमें ये बता सकते हैं कि नहीं हमें समझ में आया। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, यदि समझ नहीं आ रहा है तो लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट करना ज़रूरी है। लाइक करो या ना करो वो अलग बात है, लेकिन कमेंट करना ज़रूरी है। कमेंट ज़रूर करो, कमेंट हम बोल रहे हैं ज़रूर करो और करना चाहिए। आप लोग कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना मतलब कि पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, ये सारा चीज़ पता चलेगा। इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करो या ना करो। उसके बाद यदि आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप लोग का वीडियो डायरेक्ट मोबाइल में आना चाहते हैं कि डायरेक्ट मोबाइल में आ जाए, व्हाट्सएप में लिंक भेजें या ना भेजें, लिंक तो ऐसे भेज ही देते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद अब क्या होगा कि जैसे ही टाइम होगा, जिस टाइम वीडियो स्टार्ट होने वाला होता है, उससे जो एक मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें टच करिएगा। जैसे टच करिएगा तो गिनती चलने लगता है, वो गिनती बताएं किस प्रकार चलता है। चलता है फिर जीरो हो जाता है, जीरो होने के बाद आपका जो वीडियो खुल जाता है। तो ये आप लोग जो है यदि किए करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ध्यान से सुने इतना लंबा चर्चा, आज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, पता है मुझे, है ना, आप लोग का आज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जो है कि हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बाय, गुड बाय।